फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको 3055 ट्रांजिस्टर से एक पावरफुल ब्लूटूथ एम्पलीफायर बना के दिखाऊंगा और इसे किस तरीके से बनाना है उसका कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तो देखिएगा, तभी आप इसे बनाना सीख पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने से पहले फ्रेंड्स, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर दें ताकि मेरी नई वीडियो आपको तुरंत ही देखने को मिल सके। तो चलिए इसे किस तरीके से बनाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इसे बनाने के लिए हमें कुछ कंपोनेंट लेने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इस तरीके की जो 3055 ट्रांजिस्टर होती है उसे यूज कर रहा हूँ। अब इसके बाद में फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे इस तरीके का ब्लूटूथ मॉड्यूल यूज करूँ, ये आपको मार्केट में 30 रुपये का आसानी से मिल जाएगा। तो यहाँ पे इसके पीछे इसका कनेक्शन दिया जाता है, देख पा रहा हूँ यहाँ पे। इसके बाद में फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे 16 वोल्ट का 220 माइक्रोफेराइड का एक कैपेसिटर यूज कर रहा हूँ, देख लीजिए यहाँ पे इस तरीके का। और यहाँ पे मैं एक 470 ओम की रेजिस्टेंस यूज कर रहा हूँ, आप इसमें थोड़ी कम ज़्यादा वैल्यू की भी यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बार मैंने यहाँ पे बॉडी के साथ कनेक्ट कर दिया है और एक यहाँ पे साइड वाले पॉइंट के साथ कनेक्ट कर दिया है, देख पा रहा हूँ यहाँ पे इस तरीके से। इसके बाद में फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे जो कैपेसिटर का नेगेटिव पॉइंट है वो मैंने रेजिस्टेंस वाले पॉइंट के साथ यहाँ पे सोल्ड कर दिया है इस तरीके से। इसके बाद में फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 2 वायर जोड़ ली है ब्लूटूथ मॉड्यूल के साथ। तो यहाँ पे बीच वाला ग्राउंड है और साइड वाला हमारा राइट वाला पॉइंट है। तो यहाँ पे जो माइनस वाला पॉइंट है उसे मैंने इस वाले पॉइंट के साथ यहाँ पे जोड़ दिया है और जो पॉजिटिव वाला पॉइंट है उसे मैंने कैपेसिटर के पॉजिटिव पर जोड़ दिया है इस तरीके से। इसके बाद में फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे इस तरीके का एक स्पीकर यूज कर रहा हूँ, आप इसमें बड़ा भी स्पीकर यूज कर सकते हैं। तो स्पीकर का जो नेगेटिव पॉइंट है वो मैंने बॉडी के साथ यहाँ पे सोल्ड कर दिया है, देख पा रहा हूँ यहाँ पे। तो इसके बाद में फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 3.7 वोल्ट की बैटरी का नेगेटिव पॉइंट मैंने यहाँ पे इस तरीके से इस वाले पॉइंट के साथ मैंने यहाँ पे जोड़ दिया, जहाँ पे ब्लूटूथ मॉड्यूल का ग्राउंड वाला पॉइंट हमने जोड़ा था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ब्लूटूथ मॉड्यूल को चलाने के लिए हमें इसमें पावर सप्लाई देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो ब्लूटूथ मॉड्यूल का BCC वाला पॉइंट है पॉजिटिव पॉइंट, तो इसके साथ मैंने एक वायर जोड़ लिया है। तो फ्रेंड्स, आप इसमें ग्राउंड वाला वायर भी लगा सकते हैं, वैसे ग्राउंड यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली इससे ले लेता है। तो इन तीनों वायर को मैं एक साथ जोड़ देता हूँ। फ्रेंड्स, आप इसमें स्विच भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे से आपस में कनेक्ट कर लेता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको इसे चेक करके दिखाता हूँ किस तरीके से वर्क करता है। तो मैं यहाँ पे अपने मोबाइल से इसे कनेक्ट कर लेता हूँ। तो देख पा रहा हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर नीचे की साइड में इसका यहाँ पे ब्लूटूथ का नाम शो हो रहा है। तो हमारा जो मोबाइल है वो इस टाइम कनेक्ट हो चुका है। चलिए मैं आपको इसमें सॉन्ग प्ले करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये वर्क करता है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, आप एक ब्लूटूथ एम्पलीफायर बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें।